मणिपुर में हिंसा का दौर शुरू हुए तकरीबन 3 महीने होने वाले हैं। कई महीनों से पूरे प्रदेश में कई बार इंटरनेट बंद किया गया। जैसे ही इंटरनेट सेवा बहाल हुई, राज्य सरकार की कार्ड प्रणाली और कानून व्यवस्था की पोल खुल गई। कुछ ऐसे वीडियो सामने आए जिसमें पूरा देश दहल गया है। इस वीडियो में कुकी समुदाय की 2 महिलाओं को नग्न करके सड़क पर घुमाते हुए दिखाया जा रहा है। ये वीडियो पूरी दुनिया में अब चर्चा का विषय बन चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इसकी निंदा की है। उन्होंने कहा है कि दोषियों के किसी भी हालात में बख्शा नहीं जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस मामले का स्वतः संज्ञान लेते हुए कहा है कि अगर सरकार कोई एक्शन नहीं लेगी तो वो हस्तक्षेप करेंगे। वहीं दूसरी तरफ सीएम एन बीरेन सिंह ने कहा है कि वहां ऐसे तमाम घटनाएं लगातार हो रही हैं, तो ऐसे में ये जानना और ऐसे में ये तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर ऐसी घटनाओं की शुरुआत कैसे हुई थी और मणिपुर में हिंसा कैसे भड़की थी। क्या है पूरी 4 मई की कहानी, मैं बताऊंगा कि कब और कैसे इसकी शुरुआत हुई और अब तक क्या क्या हुआ। कुकी समुदाय की 2 महिलाओं को निवस्त करके घुमाने वाले कौन लोग हैं। नमस्कार, मैं हूं कुलदीप द्विवेदी और आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। दरअसल मणिपुर का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें भीड़ 2 महिलाओं को निवस्त करके सड़क में घुमा रही है। वायरल वीडियो में जिन 2 महिलाओं को घुमाया जा रहा है वो कुकी समुदाय की बताई जा रही है। ये वीडियो 4 मई का बताया जा रहा है जब हिंसा शुरुआती चरण में थी। महिलाओं को निवस्त कर घुमाने का आरोप मैताई समुदाय के लोगों पर लगा है। वीडियो को जिसने भी देखा उसका कलेजा कांप गया है। इस मामले में पुलिस ने अज्ञात हथियारबंद बदमाशों के खिलाफ थैवल जिले के नोंगपोक सेक मई पुलिस स्टेशन पर अपहरण, सामूहिक दुष्कर्म, हत्या का मामला दर्ज किया है। मणिपुर में मैतई और कुकी समुदाय के बीच झड़प के एक दिन बाद यानी 4 मई को कांगपोकपी जिले के बी फोनम गांव के पास हमला हुआ था। इस दौरान भीड़ ने 3 कुकी महिलाओं को निवस्त कर सड़क पर घुमाया। इस दौरान एक महिला के साथ दिन दहाड़े बलात्कार किया गया। इस घटना का एक वीडियो सोशल मीडिया पर आया है और हर तरफ गुस्से का माहौल बन गया है। इस वीडियो में 2 महिलाओं को निवस्त करके सड़क पर ले जाते दिखाया गया है और उनके पीछे तमाम युवा पुरुष घूम रहे हैं। उनके साथ साथ चलते ये वीडियो में दिखाई दे रहे हैं, जबकि अन्य पुरुष परेशान दिख रही महिलाओं को खेतों की तरफ खींच रहे हैं। एक वेबसाइट ने बताया है कि इन 3 पीड़ित महिलाओं में से एक से बात करते हुए उसने बताया कि जब हमने सुना कि मैतई भीड़ पास के गांव के घरों को जला रही है तो हमारा परिवार और अन्य लोग भाग निकले, लेकिन भीड़ ने हमें खोज लिया। हमारे पड़ोसी और बेटे को थोड़ी दूर ले जाकर मार दिया गया। इसके बाद भीड़ ने महिलाओं पर हमला करना शुरू कर दिया और उन्होंने हमसे कपड़े उतारने को कहा और उन्होंने कहा, जब हमने इसका विरोध किया तो इसके बाद उन्होंने धमकी देते हुए कहा कि अगर तुम कपड़े नहीं उतारोगे तो हम तुम्हें मार डालेंगे। इसके बाद खुद को बचाने के लिए उन्होंने कपड़े उतारने शुरू कर दिए। इस दौरान वहां मौजूद पुरुषों ने थप्पड़ मारे, मुक्के मारे और जहां तहां छुआ भी। महिला ने यह भी कहा कि मुझको पता नहीं चला कि मेरे 21 साल के पड़ोसी के साथ क्या हो रहा है, क्योंकि वो कुछ दूरी पर थी। महिला ने आरोप लगाया कि मुझे सड़क के पास एक धान के खेत से खींच लिया गया और पुरुषों ने लेटने के लिए कहा। इसके बाद मैं लेट गई, 3 लोगों ने मुझे घेर कर रखा था। उनमें से एक ने दूसरे से कहा, चलो इसका रेप करते हैं, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। मैं भाग्यशाली थी कि मेरे साथ रेप नहीं हुआ, लेकिन उन्होंने मेरे शरीर को कई जगह से छुआ। 4 मई की दोपहर तकरीबन 3 बजे के आसपास 800 से 1000 के आसपास लोग कांगपोकपी जिले के पास स्थित एक गाँव में बी फोनम जिसका नाम है वहाँ पर हथियार लेकर, जिनमें से AK-47 SLR इंसास और .303 राइफल्स और मॉडर्न हथियार उनके पास थे। वो घरों में तोड़फोड़ कर रहे थे। घरों का फर्नीचर, इलेक्ट्रॉनिक बर्तन, कपड़े, नकदी सब लूट रहे थे, घरों में आग लगा रहे थे। वहीं दूसरी तरफ पुलिस के FIR बताती है जिसमें जो संदिग्ध हमलावर मैतई युवा संगठन के हैं, मैतई लुपुन, कांगलेई पॉक, कनबा लुप, आरामबाई तेंगलोंग, विश्व मैतई परिषद और अनुसूचित जनजाति मांग समिति के हैं। ये पुलिस FIR बताती है कि इन संगठनों की इस पूरी घटना में हाथ हो सकता है। इस घटना में गांव के 5 लोग शामिल थे जो जान बचाने के लिए जंगल की ओर भाग रहे थे। इनमें से 2 पुरुष और 3 महिलाएं शामिल थीं। उनमें से 3 एक ही परिवार के थे। एक 56 साल के व्यक्ति थे, उनका 19 साल का बेटा था, 21 साल की उनकी बेटी थी। 2 अन्य महिलाएं जिसकी एक की उम्र 42 साल थी, दूसरी की 52 साल की उम्र थी, उन्हें भी
इस भीड़ ने अपने गुस्से का शिकार बनाया। एफआईआर में यह भी लिखा है कि जंगल के रास्ते उन्होंने नोंगपोक सेक मई पुलिस स्टेशन के पास एक टीम ने बचाया। नोंगपोक सेक मई पुलिस स्टेशन से 2 किलोमीटर दूर टुबू के पास हिंसक भीड़ ने उन्हें रास्ते पर रोक लिया और पुलिस टीम से अपने कब्जे पर ले लिया। भीड़ ने तुरंत 56 साल के व्यक्ति की मौके पर ही हत्या कर दी। उसके बाद तीनों महिलाओं को कपड़े उतारने के लिए भीड़ ने मजबूर कर दिया और भीड़ ने उन्हें अपने सामने कपड़े उतराए। उसके बाद 21 साल की जो लड़की थी उसके साथ बेरहमी से दिन दहाड़े सामूहिक बलात्कार किया। जब 21 साल की महिला के छोटे भाई ने अपनी बहन को बचाने की कोशिश की उनकी तरफ लपका तो उसकी भीड़ ने हत्या कर दी। वहीं 2 अन्य महिलाओं के साथ इलाके के कुछ परिचित लोगों की मदद से मौके पर वो भागने में सफल रही। दोनों महिलाएं फिलहाल राहत शिविरों में हैं। वीडियो में केवल 2 महिलाएं दिखाई दे रही हैं, लेकिन 50 साल की एक अन्य महिला भी थी जिसे भीड़ ने अपने कपड़े उतारने के लिए मजबूर किया था। उधर मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने इस वीडियो के सामने आने के बाद कहा है कि इस मामले की अलग अलग जाँच की जा रही है और केंद्र सरकार ने भी राज्य सरकार से इस मामले पर रिपोर्ट मांगी है। वहीं केंद्रीय महिला एवं बाल कल्याण मंत्री स्मृति ईरानी ने भी मुख्यमंत्री से घटना पर बात की, जबकि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ ने केंद्र और राज्य सरकार से सख्त कार्रवाई की के लिए कहा है। साथ ही चीफ जस्टिस ने इसका स्वतः संज्ञान लिया है। चीफ जस्टिस ने यहाँ तक कह दिया है या तो सरकार कार्रवाई करे नहीं तो हम खुद इस मामले पर हस्तक्षेप करेंगे। यानी ये मामला इतना छोटा नहीं है। कुछ सेकंड का ये वीडियो भले ही है लेकिन पूरे विश्व में इसकी चर्चा हो रही है। और 4 मई की इस घटना के बाद जबकि इंटरनेट बंद था तब अब जाकर के वीडियो आया है। वहीं मुख्यमंत्री ने यह स्वीकार किया है कि प्रदेश में ऐसी तमाम घटनाएं हुई हैं और ऐसी तमाम वारदातें हुई हैं जिनमें हजारों वीडियो बनाए गए हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए 1 इंडिया हिंदी के साथ। नमस्कार।